नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले पर 2024 के चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश में लग गई है। हालांकि पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए ये जिम्मेदारी अपनी पार्टी के किसी नेता के बजाय एक नए संगठन को दी है, जो जिला स्तर पर ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे को महापंचायत के जरिए साथ जोड़ेगा। बीते दिनों लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद समेत तमाम ब्राह्मण नेताओं को आमंत्रित किया गया था। उनके पोस्टर्स लगाए गए थे, यानी बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को लगाया गया था। कुछ ऐसे ही अब समाजवादी पार्टी भी रणनीति अपनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार यानी 24 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर ब्राह्मण महासंघ पंचायत में शिरकत करेंगे। पार्टी की तरफ से इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर से ब्राह्मण महापंचायत के बाद प्रदेश भर में जिला स्तर पर ब्राह्मण महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। दरअसल 2024 के पहले 2022 के चुनावी नतीजों की समीक्षा के बाद अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को समझ आ गया कि उनका 20 वोट मुसलमान और यादव भले ही उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जब तक उनके 20 वोट के साथ अन्य जातियों के जुड़े बिना वोट शेयर में इजाफा नहीं होगा, लिहाजा तब तक बीजेपी से निपटना मुश्किल है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जो कभी सुवर्णों की पार्टी कही जाती थी, उसने अपना दायरा अग्रणी जातियों के साथ साथ पिछड़ी जाति तक बढ़ा दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती अपनी वोट शेयर को बढ़ाने की है, जिसकी वजह से सपा जहां अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर कोशिश में है कि उसके इस फॉर्मूले से बिंद, मल्लाह, निषाद, कश्यप, मांझी भी उसके वोट बैंक का हिस्सा बने, लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को भी अपनी पाली में लाना चाहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज।